हाय, चश्मे के नंबर का लगातार बढ़ना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और छोटी उम्र के बच्चों में ये प्रॉब्लम और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। स्पेशली 8 से लेके 13 साल की उम्र के बच्चों में ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखी जाती है कि लगातार चश्मा पहनने के बावजूद उनके चश्मे का नंबर बढ़ता रहता है। अभी तक आई डॉक्टर्स के पास कोई इफेक्टिव सॉल्यूशन नहीं था, लेकिन अब दुनिया की दो बड़ी ऑप्टिकल कंपनीज जायस जर्मनी और होया जापान अब एक ऐसा चश्मा लेके आए हैं जिससे चश्मे के बढ़ते नंबर को रोका जा सकता है। होया जापान अपने इन चश्मों को मियो स्मार्ट ग्लासेस कहते हैं, वहीं जायस जर्मनी अपने इन ग्लासेस को मायो विजन ग्लासेस बोलते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये स्पेशल ग्लासेस सच में इफेक्टिव हैं, और अगर हाँ तो ये काम कैसे करते हैं, कैसे ये चश्मे के नंबर को बढ़ने से रोकते हैं, और क्या ये स्पेशल ग्लासेस इंडिया में अवेलेबल हैं, और अगर हाँ तो इंडिया में इनकी कॉस्ट क्या होगी। ये सब आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ज्यादातर लोगों को दूर की नजर का चश्मा लगा होता है जिसे हम मायोपिया बोलते हैं। तो सबसे हम पहले ये समझ लेते हैं कि ये मायोपिया या दूर की नजर का चश्मा आंखों में लगता क्यों है। जिन लोगों को मायोपिया होता है उन लोगों की आंखों का साइज नॉर्मल साइज से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और ये साइज आगे से बड़ा नहीं होता बल्कि पीछे से बड़ा होता है। तो आगे से देखने में आंख की शेप और साइज वैसा ही रहता है, लेकिन आंख के पीछे की तरफ से आंख का साइज बढ़ जाता है, और आंख के साइज के बढ़ने के साथ साथ आंख का पर्दा भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से पीछे चला जाता है, जिसकी वजह से जो भी दूर की चीजें हम देखते हैं उनकी इमेजेस पर्दे पे ना बनकर उससे पहले ही बन जाती हैं, जिसकी वजह से वो इमेजेस हमें धुंधली नजर आती है, और उन इमेजेस को साफ देखने के लिए हमें एक चश्मे की जरूरत पड़ती है। अब लोगों में मायोपिया होना यानी ये आंख के साइज के बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण जेनेटिक हो सकता है। इसका मतलब है अगर बच्चों के माता पिता में से किसी को चश्मा लगा है तो हो सकता है उनके बच्चों को भी चश्मा लग जाए। आंखों में चश्मे के नंबर के आने का एक और बड़ा कारण है एनवायरमेंटल फैक्टर्स या फिर लाइफस्टाइल फैक्टर। तो आपका लाइफस्टाइल कैसा है इसके ऊपर काफी डिपेंड करता है कि आपको चश्मा लगेगा या नहीं, स्पेशली ग्रोइंग एज में। हम देखते हैं कि जो बच्चे ज्यादा टाइम घर के अंदर बिताते हैं, इंडोर एक्टिविटीज या फिर इंडोर गेम्स ज्यादा खेलते हैं, उन लोगों में चश्मे के नंबर आने का चांसेस ज्यादा रहते हैं, और जो बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज करते हैं, दूर की चीजें देखते हैं, पार्क वार्क में खेलते हैं, उन लोगों में मायोपिया होने के चांसेस कम है। इसका रीजन ये है बचपन में इस ग्रोइंग एज में हमारा ब्रेन धीरे धीरे ग्रो हो रहा होता है, वो चीजें सीख रहा होता है। तो ऐसे में बच्चे अगर ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे रीडिंग में, राइटिंग में, मोबाइल फोन के साथ, वीडियो गेम्स के साथ, तो ब्रेन को ऐसा लगता है कि इस इंसान के लिए पास की चीजों को देखना ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए ब्रेन पास की नजर को ज्यादा फेवरेबल बना देता है और दूर की नजर थोड़ी कमजोर हो जाती है। तो ये भी एक फैक्टर है मायोपिया बढ़ने का। और आंखों में मायोपिया यानी चश्मे के नंबर का बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है आंखों में हाइपरोपिक डिसफोकस होना, जिसे हम पेरिफेरल रेटिनल ब्लर भी बोलते हैं। और आज जिन स्पेशल ग्लासेस की हम बात कर रहे हैं वो इसी पेरिफेरल रेटिनल ब्लर को ठीक करते हैं और मायोपिया को रोक पाते हैं। तो अगर किसी को मायोपिया है और वो नॉर्मल ग्लासेस पहनते हैं जिन्हें हम सिंगल विजन ग्लासेस भी बोलते हैं, तो ये नॉर्मल ग्लासेस हमारे रेटिना के सेंटर जोन पे बिल्कुल परफेक्ट इमेज बनाते हैं और हमें साफ देखने में हेल्प करते हैं, लेकिन जो सेंटर जोन के चारों तरफ का रीजन होता है जिसको हम पेरिफेरल जोन बोलते हैं, उसमें ये इमेजेस पर्दे पे ना बनाकर पर्दे के पीछे बनाते हैं, जिसे हम हाइपरोपिक डिसफोकस भी बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें सेंटर विजन तो सही दिख रहा है लेकिन रेटिना के पेरिफेरल रीजन पे इमेजेस ब्लर रहती हैं। अब पेरिफेरल रीजन में ब्लरनेस के कारण हमारे ब्रेन को ये सिग्नल मिलता है कि कुछ गलत है, और वो इस चीज को ठीक करने के लिए आंखों का साइज को और इलोंगेट कर देता है और बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपका चश्मे का नंबर और ज्यादा बढ़ जाता है। ये स्पेशल मायो स्मार्ट या फिर मायो विजन ग्लासेस में सिंगल फोकस ना होकर इसमें दो तरह के फोकस होते हैं। तो अगर आप इस मायो स्मार्ट ग्लास को देखेंगे तो इसमें आप सेंटर में ये सर्कल देख रहे हैं, ये सर्कल रिस्पॉन्सिबल होता है आपके मायोपिया को ठीक करने के लिए, यानी आपको साफ देखने में हेल्प करने के लिए, जैसे हमारे नॉर्मल ग्लासेस भी हेल्प करते हैं। लेकिन इस सर्कल के चारों तरफ का जो रीजन है उसमें मल्टीपल डिफोकस सेगमेंट्स है, जिसका मतलब है कि अगर ये लाइट इस सर्कल को छोड़ के बाकी रीजन में से आंख के अंदर जाती है
तो ये थोड़ा सा डिफोकस रहेगी और ये पेरिफेरल रेटिना के ऊपर परफेक्ट इमेज बनाएगी। अब ये जो ग्लासेस का सेंटर जोन है वो मायोपिया को ठीक कर रहा है और पेरिफेरल जोन है वो इमेज को रेटिना के पीछे नहीं बनने दे रहा, और इसी की वजह से आंखों के पूरे पर्दे पर कोई भी डिफोकस नहीं होता, आंखों के पूरे पर्दे पे परफेक्ट इमेज बनती है, कोई इमेज पर्दे के पीछे नहीं बनती, और इसी वजह से लॉन्ग टर्म में मायोपिया को बढ़ने से रोका जा सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि मायो स्मार्ट ग्लासेस या फिर मायो विजन ग्लासेस कैसे काम करते हैं। अब डिस्कस करते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या ये ग्लासेस सच में इफेक्टिव हैं। वेल, इस वीडियो को बनाने के लिए जितना मैंने रिसर्च किया है, जितना मैंने मायो स्मार्ट ग्लासेस के बारे में और मायो विजन ग्लासेस के बारे में पढ़ा है, तो मैं कह सकता हूं कि हाँ, ये ग्लासेस सच में इफेक्टिव है। जायस जर्मनी और होया जापान बहुत ही पुराने ब्रांड्स हैं, बहुत ही रेप्यूटेड ब्रांड्स हैं ग्लासेस के। दुनिया भर के डॉक्टर्स पिछले कुछ सालों में मायो स्मार्ट ग्लासेस और मायो विजन ग्लासेस को अपने पेशेंट्स जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर इसको यूज कर रहे हैं और वो बहुत ही बेटर रिजल्ट्स देख रहे हैं कि वो मायोपिया को अप टू 60-70% रोक पाए हैं इन ग्लासेस की मदद से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई ये इम्पोर्टेड ग्लासेस हैं तो क्या इंडिया में अवेलेबल हैं? तो ऑफकोर्स ये ग्लासेस इंडिया में अवेलेबल हैं, पर ये आपको हाथों हाथ नहीं मिलेंगे। मैंने कुछ आसपास के ऑप्टिकल्स में और लेंसकार्ट में बेन फ्रैंकलिन जैसे बड़े ब्रांड्स से पता किया है, तो उनके हिसाब से ये लेंसेज स्पेशल ऑर्डर पर आपके लिए मंगाए जा सकते हैं, तो 20-25 दिन में वो आपको इसके डिलीवरी दे सकते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई इंडिया में इनकी कॉस्ट क्या होगी? तो मायो स्मार्ट और मायो विजन दोनों ग्लासेस की कॉस्ट आपको करीब करीब 15,000-20,000 रुपए पड़ेगी वन पेयर। अगर आप इनको अफोर्ड कर सकते हैं तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आपको ये ट्राई करनी चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि 80% लर्निंग आंखों के थ्रू होती है, तो बच्चों को सही देखना, उनके मायोपिया को सही टाइम पे कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम सब चीजें ट्राई करते हैं तो मायो स्मार्ट ग्लासेस को भी ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है अगर आप इस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं। उन लोगों की बात करें जिनके लिए ये प्राइस अफोर्डेबल नहीं है, उनको मैं यही सलाह दूंगा कि अगर आपके छोटे बच्चों को मायोपिया है, उनको चश्मा लगा हुआ है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि उनको ज्यादा से ज्यादा आउटडोर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखें, उनके खाने पीने का ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण भी चश्मे का नंबर बढ़ सकता है, और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो है कि उनको हर 6 मंथ्स में या साल भर में उनकी आंखों का चेकअप कराएं, और अगर उनकी चश्मे का नंबर बढ़ रहा है तो आप फटाफट उसका करेक्ट पावर का चश्मा बनवा के उनका ग्लासेस चेंज कराएं। तो ये ही एक तरीका है बच्चों में मायोपिया को रोकने का। बाकी चश्मे का नंबर 18-20 साल की उम्र के बाद अपने आप ही स्टेबल हो जाता है जब बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स बिल्कुल सेटल हो जाते हैं। आई होप इस वीडियो में जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता था वो बिल्कुल क्लियरली दे पाया हूं, और आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।